कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण मात्र स्मरण सुख का देगा। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो वट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए मानसिक टेंशन में परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। दो या तीन सोमवार एक ही जगह पर करना, तीन सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग लगभग दो से तीन महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जलवृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सोमवार का दिन आ गया है और वीडियो में कुछ उपाय बताए गए हैं जो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा में बताए गए उपाय ही हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं, तो कृपया कर आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अब समझ लेते हैं कि उपाय क्या है और कैसे करना है। पहला उपाय पढ़ाई परीक्षा से संबंधित है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा के पहले कोई सोमवार पढ़ रहा है, तो उस सोमवार के दिन आप यह एक विशेष उपाय करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन लेना है गन्ने का रस, आपको एक लोटा गन्ने का रस लेना है और चले जाना है शिव मंदिर। अब मंदिर में जहाँ शिवलिंग रखी होती है, आपको शिवलिंग की उत्तर दिशा की ओर खड़े होना है, मतलब कि आपको शिवलिंग के पीछे ही खड़ा होना है। आपको उत्तर दिशा की ओर मुख कर शिवलिंग पर वह एक लोटा गन्ने का रस धीरे धीरे समर्पित करना है। जब आप गन्ने का रस समर्पित करें तब आपको
त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण करना है। साथ ही साथ आपको अपना नाम व गोत्र बोलकर उत्तर दिशा की ओर मुख कर शिवलिंग पर वह गन्ने का रस समर्पित करना है। ऐसा करने से आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। यह उपाय कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए है। यदि आपका बहुत कर्जा हो गया है, कर्जा छूट ही नहीं रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं, तो आप यह एक कार्य भी कर देख सकते हैं। आपको लेना है एक लोटा जल। उस जल में आप लें थोड़े से चावल और चावल को पीस कर उस जल में मिला लें। एक चुटकी हल्दी लें और उस कलश में डाल लें। अब उस कलश के जल को लेकर आपको चले जाना है बरगद के पेड़ के पास। आपके घर के आसपास कोई भी बरगद का पेड़ हो तो आप वहां चले जाएं। उस कलश के जल को आप बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करके धीरे धीरे बरगद के पेड़ पर समर्पित कर दें। 2-4 सोमवार आप यह कार्य करें, महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरे करेंगे, वह आप पर जरूर कृपा करेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।